दोस्तों, हमारे ऑनलाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स के अंदर दशहरा से दिवाली तक जो है वो एक ऑफ़र है। ऑफ़र के अंदर 8,000 का जो कोर्स था हमारा, वो 20% डिस्काउंट के अंदर मिलेगा आपको। और वो अभी ये 15 अक्टूबर से 7 नवंबर तक 6,400 में मिलेगा। और आफ्टर दिवाली, जैसे दिवाली की ये जो हमारी डेट है 7 नवंबर वो कंप्लीट होगी, उसके बाद इसका जो प्राइस है वो 8,000 ना रह के उससे बढ़ के 10,000 हो जाएगा। मतलब अभी 8,000 है, वो प्राइस जो है वो डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब 6,400, उससे फिर ये प्राइस बढ़ा के 10,000 हो जाएगा। तो जो भी दोस्त हमारे सब्सक्राइब करना चाहते, सेम रास्ता है दोस्तों, सेम कंडीशन है, 3 महीने तक कोर्स मिलेगा आपको। और आपको लाइव अपडेट जो है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, वो सबके अंदर लाइव अपडेट भी मिलेगी और वही 3 महीने का बेनिफिट भी मिलेगा आपको। तो कोर्स सब्सक्राइब करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां से आप हमारा कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हो और लर्निंग प्लस अर्निंग का बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं रवि एक और बार प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चैनल के अंदर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो के अंदर जो है वो हम बात करेंगे सारी कॉमोडिटी के बारे में। दिवाली है तो अभी थोड़ा सा काम कर रहे तो मैं बाहर हूँ दोस्तों, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो फटाफट शॉर्ट में मैं आपको समझा दूंगा। डिटेल का जो एनालिसिस है वो अगले वीक से जो है वो हम ट्राई करेंगे कि हो पाएगा डिटेल में। अभी मैं आपको उसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और कहाँ पर इसके जाने की उम्मीद है, क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। तो बात करते हैं दोस्तों नेचुरल गैस के बारे में। तो नेचुरल गैस के लिए जो हमारा पहला सपोर्ट रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो लेवल रहेगा हमारा दोस्तों 407 का लेवल। ठीक है, ये वाले लेवल के ऊपर जो है वो आपको खास ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर 407 का जो लेवल है वो कटता है तो यहाँ से जो है वो एक फिर से बड़ी गिरावट जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। अभी नेचुरल गैस जो है दोस्तों वो अभी एक रेंज में फंसा हुआ है और अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है वो आपको रेंज में फंसा हुआ देखने को मिल सकता है। तो आपको कोई बड़ी पोजीशन के तरफ नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आप जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट रहना, ठीक है। तो नीचे के जो सपोर्ट है वो दोस्तों आपको 407.90, 408 का लेवल मान के चलते, अगर 408 का लेवल कटता है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो फिर आपको ध्यान में लेना चाहिए 398, 389 और 375 का लेवल। ठीक है, बड़ी मूवमेंट जो है वो इसके अंदर आ सकती है 363 का लेवल कटने के बाद। ठीक है, 363 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर ये 363 का जो लेवल है वो कटता है नीचे की तरफ, तो वहाँ से जो है वो एक बहुत ही बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज आप ये मान के चलो कि आने वाले लगभग लगभग 1.5 से 2 महीने, ठीक है, 1.5 से 2 महीने ये एक रेंज के अंदर रहेगा और उसकी ये जो रेंज रहेगी वो लगभग लगभग 360 से लेकर 460, ये बहुत ही बड़ी 100 पॉइंट की रेंज के अंदर जो है वो ये घूम सकता है, तहलका मचा सकता है, ऊपर नीचे जो है वो घूम सकता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बड़ी जो गिरावट हो सकती है लेवल नोट डाउन कर लेना दोस्तों 363 का लेवल। ये यदि कटता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तो वहां से जो है वो हमें थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उसके टारगेट के ऊपर कि उसके कौन कौन से जो टारगेट है वो हमें ध्यान में लेने चाहिए उसके बारे में। तो अभी जहाँ पर उसका क्लोजिंग हुआ है लगभग कुछ 415 के आसपास, तो वहाँ से बात करें तो पहला जो हमारा लेवल होगा वो रहेगा 420.70 के आसपास, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो हमें लेवल ध्यान में लेना चाहिए 429.30, और जो खास जो हमारा लेवल रहेगा दोस्तों वो रहेगा 438 का लेवल। वैसे तो दोस्तों ये जो सारे लेवल हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ से आपको एक बड़ी जो मूवमेंट है, बड़ी जो चाल है वो देखने को मिल सकती है 430 के लेवल के ऊपर, 429.50, 429.50 का जो लेवल है वो अगर हम ऊपर की तरफ काटने में कामयाब हो जाते हैं अच्छी तरीके से, तो ये वापस जो है वो आपको ऊपर के लेवल दिखा सकता है। और जैसे मैंने बात की अभी आपको कि 438.40, 445.80 और वापस ये जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 473 के आसपास जा सकता है, क्योंकि वो वाला एरिया जो है दोस्तों वो एक ब्रेकआउट वाला एरिया है। ठीक है, अब समझना है, यहाँ पर ब्रेकआउट वाला जो पोर्शन बनेगा हमारा अब जो वो बनेगा 470 के आसपास। ठीक है, यहाँ पर जो है वो ब्रेकआउट हो सकता है और यहाँ पर
363 के नीचे ब्रेक डाउन हो सकता है। मतलब मैंने आपको बताया लगभग लगभग 100 पॉइंट की एक बहुत ही बड़ी विशाल रेंज के अंदर जो है वो नेचुरल गैस जो है वो एंटर कर चुका है। क्योंकि यहाँ से नीचे से अगर देखे दोस्तों तो ये वाले लेवल से लगभग लगभग 190-200 के लेवल से जो है वो सीधा सीधा यहाँ पर जो है वो चढ़ गया है, तो कोई बड़ी गिरावट नहीं है। तो यहाँ पर जो वो थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, तो ये जो है वो आपको ध्यान में रखना है पर्टिकुलर नेचुरल गैस के अंदर नेक्स्ट वीक के लिए। अब बात करते हैं अगली कॉमोडिटी के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं अब गोल्ड के बारे में, जहाँ पर उसका क्लोजिंग हुआ है पिछले 2 दिन के अंदर जो है वो बहुत ही बड़ा धमाका जो है वो गोल्ड ने जो है वो हमें दिखाया है। तो गोल्ड के अंदर जो है वो मुझे काफ़ी अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ नज़र आ रही है। तो उसके जो लेवल है वो देख लेते हैं, 47,959 के आसपास क्लोजिंग हुआ है गोल्ड मिनी का। तो वहाँ से जो है वो हम इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहला लेवल रहेगा दोस्तों हमारा 47,800 के आसपास। अगर ये लेवल जो है वो कटता है तो फिर वहाँ से हमें ध्यान में लेना चाहिए लेवल है 47,350 के आसपास। 350 का जो है वो एक इम्पोर्टेंट लेवल है। और ख़ास जो है वो एक इम्पोर्टेंट रेंज जो है हमें ध्यान में लेनी चाहिए वो है 47,000 से लेके लगभग लगभग 46,840 के आसपास। ये जो है वो गोल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी दोस्तों। लास्ट वीक के अंदर जब हम मिले थे उस टाइम पे हमने चर्चा की थी कि सेफ्टी के लिए जो है वो कहाँ पर हमें गोल्ड को बाय करना चाहिए। वो अभी भी दोस्तों मेरा स्टैंड जो है वो कायम है कि जब गोल्ड जो है वो 48,140-150, हमने 300 के लेवल की बात की थी कि 48,100 से 48,300 का जो एरिया है वो थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस जोन वाला है। अभी भी वो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, लेकिन जैसे ही ये वाला रेजिस्टेंस जोन जो है वो गोल्ड ऊपर की तरफ काटने में कामयाब हो जाता है दोस्तों, मेरा मानना ये है कि हम जो है वो एक बार वापस 50,000 के आसपास जो है वो गोल्ड को जाता हुआ देख सकते हैं। तो थोड़ा सा जो भी दोस्त है शॉर्ट कर रहे हैं वो थोड़ा सा संभल के रहे। लास्ट वीक के अंदर जब हम मिले थे उस टाइम पे भी हमने चर्चा की थी, एक आपको मैंने ट्रिक बताई थी कि कैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप मैनर में बाय कर सकते हैं। तो अभी भी दोस्तों स्टैंड कायम है 48,300 के ऊपर। बहुत ही बढ़िया है कि तरीके से अगर एक क्लोजिंग हो जाता है तो फिर वहाँ से जो है वो हमें एक ऊपर की रैली देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो है वो एक ब्रेक डाउन करने का कोशिश किया था दोस्तों उसने, ठीक है, ये वाले लेवल के ऊपर अच्छा जो है वो ब्रेक डाउन भी किया था, लेकिन जो है वो दूसरे दिन वापस जो है वो कट गया। तो हमें इसीलिए जो है वो ध्यान रखना है कि ये इसको हम जो है वो फॉल्स ब्रेक डाउन भी कह सकते हैं। फॉल्स ब्रेक डाउन का मतलब है कि उसको जाना नहीं था ऊपर की नीचे की तरफ, लेकिन वो गया है। लेकिन यहाँ पर वापस जो है वो अब ऊपर जा रहा है। तो कोई भी जो भी दोस्त अगर शॉर्ट में फंस गए किसी भी कारणवश, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 48,300 तक वेट कर सकते हैं। मेरा ये मानना है 48,300 का लेवल जो है वो जैसे ही काटता है दोस्तों, वहाँ से जो है वो स्काई इज़ अ लिमिट, मतलब लगभग लगभग 50,000 के आसपास के जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। आप ये बात को थोड़ा ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं अगली कॉमोडिटी के बारे में। बात करते हैं दोस्तों सिल्वर के बारे में। पहले उसके सपोर्ट देख लेते हैं। अभी लगभग उसका क्लोजिंग हुआ है 64,500 के आसपास। तो वहाँ से उसके जो सपोर्ट है वो हम देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा सपोर्ट रहेगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है वो है 63,900 के आसपास। ये लेवल यदि कटता है तो उसके नीचे का जो लेवल है हमें ध्यान में लेना चाहिए 63,350 के आसपास। और एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग जो उसका सपोर्ट हम कह सकते हैं वो लेवल रहेगा हमारा 62,280 के आसपास। लास्ट वीक के अंदर मिले उस टाइम पे भी हमने चर्चा की थी कि यहाँ पर जो भी एक गिरावट हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन उसको हमें एज अ करेक्शन कंसिडर करना है। अगर आपको याद होगा दोस्तों लास्ट वीक के जो हमारे जो चर्चा हुई थी हमारी, वो यही बात हुई थी कि एक यहाँ पर गिरावट हो सकती है, लेकिन ये एक नॉर्मल करेक्शन है। क्योंकि यहाँ से ऊपर आया है तो एक छोटा सा करेक्शन जो है वो संभव है। वो करेक्शन ऑलमोस्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है, लेकिन हमें वेट करना है ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर। ब्रेकआउट कब होगा अब उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों उसके टारगेट के ऊपर। तो यहाँ पर जो है वो जो क्लोजिंग हुआ है उससे हम बात करें तो 65,000 का जो लेवल रहेगा, 65,200 से लेके जो ब्रेकआउट का जो लेवल है दोस्तों, मैं आपको वही बता रहा हूँ यहाँ पर, उसके ऊपर जो है वो हमें ध्यान में रखना है 65,800।
782 के आसपास है, 65,200 से, लेकिन हम जो है वो यही राउंड फिगर पकड़ के चलते कि 65,800 से 65,200 का ये जो एरिया है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, जैसे ही ये सिल्वर काट के उसको अच्छी तरीके से सस्टेन करता है, तो वहाँ से जो है वो एक बहुत ही बढ़िया हमें रैली जो है वो सिल्वर के अंदर भी दिखाई दे सकती है। गोल्ड का जो अपडेट है अभी हमने देखा उसके अंदर जैसे बात की, तो वैसे सिल्वर में भी हमें ये मूवमेंट देखने को मिल सकती है। 66,500 के आसपास भी जाने की उम्मीद है, और उसके ऊपर अगर हम चलते तो 67,243, और जैसे लास्ट वीक के अंदर भी बात की थी कि 67,200 से 500 का जो एरिया है वो रेजिस्टेंस जोन है, जैसे ही वो सस्टेन करेगा दोस्तों, वहाँ से सिल्वर जो है वो आराम से 70,000 70,000 के लेवल को पार कर सकता है। तो ये जो है वो सिल्वर की अपडेट हो गई। बात करते हैं अब अगली कॉमोडिटी के बारे में। दोस्तों हमारे ऑनलाइन कैंडल स्टिक पैटर्न कोर्स के अंदर दशहरा से दिवाली तक जो है वो एक ऑफर है। ऑफर के अंदर 8,000 का जो कोर्स था हमारा, वो 20% डिस्काउंट के अंदर मिलेगा आपको, और वो अभी ये 15 अक्टूबर से 7 नवंबर तक 6,400 में मिलेगा। और आफ्टर दिवाली, जैसे दिवाली की ये जो हमारी डेट है 7 नवंबर वो कंप्लीट होगी, उसके बाद इसका जो प्राइस है वो 8,000 ना रह के उससे बढ़ के 10,000 हो जाएगा। मतलब अभी 8,000 है वो प्राइस जो है वो डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब 6,400, उससे फिर ये प्राइस बढ़ा के 10,000 हो जाएगा। तो जो भी दोस्त हमारे सब्सक्राइब करना चाहते, सेम रास्ता है दोस्तों, सेम कंडीशन है, 3 महीने तक कोर्स मिलेगा आपको, और आपको लाइव अपडेट जो है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो वो सबके अंदर लाइव अपडेट भी मिलेगी, और वही 3 महीने का बेनिफिट भी मिलेगा आपको। तो कोर्स सब्सक्राइब करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां से आप हमारा कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हो, और लर्निंग प्लस अर्निंग का बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। तो दोस्तों अगली कॉमोडिटी की बात करें, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो है वो हमारी ऑफर जो चल रही थी दशहरा से, हमने स्टार्ट की थी दशहरा से दिवाली, उसके अंदर हमारा जो ऑनलाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स है वो उसकी जो प्राइस थी उसके अंदर 20% जो है वो डिस्काउंट में अवेलेबल था। आज उसका आखिरी दिन है, बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो उसका बेनिफिट लिया है, और वो 20% डिस्काउंट जो है वो आज आखिरी दिन है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो आज के दिन तो आपको भी ये ऑफर जो है वो मिलेगा। ऑफर के अंदर क्या है दोस्तों, तो 3 महीने तक आपको ऑनलाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स जो है वो सीखने को मिलेगा। कैंडल जो है वो कैसे काम करती है, कैसे बनती है, कहाँ पर जो है वो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस टारगेट लगा सकते हो, कितना हमें जो है वो टारगेट लगाना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है वो कोर्स के अंदर सिखाई है। और साथ में 3 महीने तक उसी कोर्स के साथ साथ जो है वो आपको लाइव अपडेट भी मिलेंगे, जिसके सारे वीडियो जितने हम कॉमोडिटी के बारे में बनाते हैं उसका लाइव अपडेट जो है वो भी आपको मिलेगा। वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर एक छोटा सा क्लिप आपको आपने देखा होगा, उसके अंदर डिटेल में बताया गया है, अगर आपने वो स्किप किया हो तो वापस दोबारा देख लेना तो आपको आइडिया आ जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो वो कोर्स, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो है वो कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हो, और 3 महीने तक लर्निंग प्लस अर्निंग का बेनिफिट उठा सकते हो। आखिरी दिन है दोस्तों, उसके बाद जो है वो उसके प्राइस जो है वो अब बढ़ने जा रहे हैं, तो उसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अब क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल जो है वो अभी 60,053 के आसपास जो है वो क्लोजिंग हुआ है, उसका एक रेंज में फंसा हुआ था, यहाँ पर जो सीधा गैप डाउन करके नीचे जाके जो है वो फिर ऊपर आ गया है अभी, तो अब देखते हैं क्या हो सकता है। तो उसके अंदर जो है वो हमें एक लेवल ध्यान में लेना चाहिए, वो है 5,985 का लेवल, 5,985 लेवल नोट डाउन कर लीजिएगा, और 5,887 ये जो है वो अब उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगा। अगर ये लेवल जो है वो टूटता है चाहे इंट्राडे में क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो यहाँ से एक भारी गिरावट हो सकती है दोस्तों, फिर लेवल आपको ध्यान में लेना चाहिए 5,816 का। उसके नीचे जो है वो 5,753, और फिर जो है वो 5,600 के आसपास के जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये जो दोनों डार्क लाइन आप देख रहे हो वो यदि ब्रेक होता है तो नीचे के जो लेवल है वो आपको बहुत ही स्पीड से जो है वो
इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं उसके टारगेट के ऊपर, जहाँ पर उसका क्लोजिंग हुआ है लगभग लगभग 6053 के आसपास। तो वहाँ से अगर हम बात करें तो पहला हमारा लेवल रहेगा 6159 का लेवल। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे जो है वो रेजिस्टेंस है उसके अंदर, तो बहुत ही आपको जो है वो थोड़ा सा संभल के काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक रेंज में फंसा हुआ है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि उसकी जो रेंज है वो रेंज ने यहाँ पर ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, लेकिन वापस जो है वो दोबारा वो कवर कर गया है। फिर हमारा लेवल रहेगा 6240 के आसपास, और फिर जो होगा वो रहेगा 6310 का लेवल। तो जो भी कामकाज करो अभी, तो वो आप थोड़ा सा कम क्वांटिटी में करना, क्योंकि ऊपर का जो लेवल है रेजिस्टेंस जोन जो हमने अभी चर्चा की थी पहले भी, कि 6400 से लेके 6500 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो वहाँ से जो है वो एक बार नीचे आ गए हैं। अब दोबारा देखते क्या होता है दोस्तों, तो थोड़ा सा आप जो है वो संभल के रहना। अब बात कर लेते हमारी नेक्स्ट कॉमोडिटी के बारे में, तो बात करते हैं दोस्तों निकल के बारे में। निकल का जो क्लोजिंग हुआ है लगभग लगभग 1489 के आसपास, तो वहाँ से बात करते हैं उसके सपोर्ट और उसके टारगेट के बारे में। तो पहला जो उसका हमारा सपोर्ट रहेगा बहुत ही ज़्यादा अहम रहेगा, वो रहेगा 1470 का लेवल। अब यहाँ पर जो है वो बहुत ही बढ़िया जो है वो उसका सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर हम 1470 का लेवल जो है वो काटते हैं, तो यहाँ से जो है वो वापस एक बार नीचे जा सकते हैं, और वो लेवल जो है वो आपको ध्यान में रखना है 1454 के आसपास। वो लेवल काटता है तो उसके बाद जो है वो 1436.5, और नीचे का जो लेवल है वो फिर आपको ध्यान में लेना है 1411 के आसपास। तो इन शॉर्ट 1470 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये लेवल कटता है तो ये नीचे के जो लेवल है वो हमें ध्यान में रखने चाहिए। अगर ये लेवल कटता है दोस्तों तो खास हमको अलर्ट हो जाना है, अगर बाय पोजिशन में हम बैठे हैं तो की बात है, और बाय कब करना चाहिए सेफली उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 1503 के आसपास। उसके बाद का जो लेवल है वो रहेगा हमारा 1520। फिर जो हमें लेवल ध्यान में लेना है वो है 1532 के आसपास, और जो लेवल रहेगा 1530-32 का जो लेवल रहेगा दो दोस्तों, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर वो काटता है तो 1555 के आसपास जो है वो हम जा सकते हैं, और 1555 का जो लेवल है दोस्तों वो काटेगा तो फिर वहाँ से जो है वो 1575 और धीरे धीरे करके 1600 के लेवल के आसपास जा सकते हैं। इन शॉर्ट हमें ध्यान में रखने वाले जो लेवल है वो है 1470। अगर आप ये देखते हो कि 1470 का लेवल काटता है, तो धीरे धीरे करके जो है वो एक बार हम 1400 के आसपास आराम से जा सकते हैं, लेकिन 1470 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, खास ध्यान से रख जो है वो आप इसके लिए नोट डाउन कर लेना। और अगर आपको लगे कि कोई इंट्राडे के अंदर या 5-10-15 मिनट में आप देखते हो कि एकदम झटके से जो है वो 1470 काटता है, और काटने के बाद ऊपर आ जाता है, अच्छी वाली कैंडल बनती है, कोई हैमर या कोई अच्छी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल जो है वो बनती है, तो वहाँ से जो है वो हम बाय कर सकते हैं 1470 के SL के साथ, स्ट्रिक्टली SL है दोस्तों। अदरवाइज जो है वो 1532 के ऊपर अगर ये सस्टेन करते तो वहाँ से जो है वो हमें ऊपर की बहुत ही बढ़िया चाल जो है वो देख सकते हैं। तो थोड़ा सा निकल के अंदर आप संभल के रहेंगे, कॉपर निकल दोनों के अंदर, तो थोड़ा सा आपको ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया जो है वो अभी उसके अंदर वॉलेटिलिटी बनी हुई है और आपको कभी भी फंसा सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी क्वांटिटी को कम कर लेंगे तो बेनिफिट ज़्यादा होगा। बात कर लेते हैं अब कॉपर के बारे में। तो दोस्तों कॉपर की बात करें तो नंबर वन जो हमारा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा सपोर्ट रहेगा, वो रहेगा 724.70, 725 का लेवल मान के चलते हैं। तो 725 का जो लेवल है बहुत ही बढ़िया उसका सपोर्ट है, तो यहाँ पर जो है वो हमें खास ध्यान देना है। यहाँ पर जो है वो दोस्तों एक हैमर बना हुआ है, नो डाउट यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हैमर है, और एक अच्छे डाउन ट्रेंड के अंदर भी हमें देखने को मिला है। लेकिन हैमर की भी कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशन है डिटेल में जो है वो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है हैमर पैटर्न के लिए, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा, उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आपको जो है वो हैमर के बारे में पूरा नॉलेज जो है वो मिल जाए। तो ताकि भविष्य में भी कभी आप चार्ट के ऊपर हैमर देखो तो आप उसको आइडेंटिफाई करके जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो बेनिफिट कमा सकते हो। तो बात कर दे अगर ये जो लो है वो कटता है दोस्तों, जो कि लगभग 725 के आसपास है, तो फिर हमें जो ध्यान में लेना चाहिए दोस्तों वो लेवल रहेगा हमारा
717 के आसपास का, 717.50 के आसपास। फिर लेवल आता है 710 के आसपास, और फिर जो है वो 701 के आसपास। तो इन शॉर्ट ये लो कटता है 725 के आसपास, तो वहाँ से जो है वो एक बड़ी गिरावट जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा आप इसके अंदर खास संभल के रहना। बात करते हैं अब उसके टारगेट के ऊपर, तो उसका जो पहला टारगेट रहेगा हमारा नेक्स्ट वीक के लिए वो रहेगा 735, 736 के आसपास। अगर हम 736 का जो लेवल है वो काटते हैं तो 744 का लेवल जो है वो हमें देखने को मिलेगा। जो भी दोस्त सेफली जाना चाहते हैं कॉपर के अंदर, वो जब ये 751 के ऊपर सस्टेन करता है, वहाँ पर अच्छी तरीके से एक बढ़िया जो है वो बुलिश कैंडल के साथ जो है वो निकाल के ले जाता है, तब जाके अगर हम इसके अंदर बैठेंगे बाई की साइड में, तो हमारे लिए फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो इन शॉर्ट जो ब्लू लाइन डार्क आप देख रहे हो 751, और जो रेड लाइन आप देख रहे हो 725, वो वाला जो एरिया है वो हमें ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल इग्नोर करना है। अगर हम इसमें फंस गए कहीं पर भी, तो बाय सेल कभी भी आप देखोगे दोस्तों, बाय करो सेल करो कभी भी हमें जो है वो फंसा सकता है। इसके ऊपर या नीचे जो है वो एक अच्छी मूवमेंट जो है वो हमें मिल सकती है, तो उसके ऊपर जो है वो आप ध्यान रखना। और फिर भी अगर आप जो है वो ट्रेड करते हो तो छोटे से मार्जिन के साथ जो है वो आप निकल जाओगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कभी भी ये घूम सकता है। आपने बाय किया होगा तो कभी भी जो है वो नीचे जा सकता है, नीचे जो है वो सेल किया होगा तो कभी भी ऊपर भाग सकता है। तो क्योंकि इसका रीज़न ये एक साइडवेज जोन के अंदर जो है वो एंटर कर चुका है, लेकिन ये 745 से 751 का जो एरिया है वो अच्छी तरीके से काटता है दोस्तों, वहाँ पर सस्टेन करता है, क्लोजिंग करता है, तो वहाँ से एक अच्छी जो मूवमेंट है वो हमें इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में। तो यहाँ पर जो है वो हमारा क्लोजिंग हुआ है लगभग लगभग 17,916 के आसपास। तो वहाँ से बात करें तो उसके जो लेवल रहेंगे हमारे निफ्टी के लिए वो रहेंगे 17,850 के आसपास। वो लेवल यदि हम काटते हैं तो फिर 17,700 से लेके हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा दोस्तों 17,600, यहाँ पर जो है वो आप खास ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये 17,600 का जो लेवल है वो काटता है तो फिर यहाँ से एक बड़ी गिरावट जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। और लगभग लगभग कौन कौन से लेवल हमें ध्यान में लेना चाहिए उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो फिर हमें 17,532 के आसपास, और जो लेवल है वो है 17,360 और 17,250। नीचे जो है वो दोस्तों 16,500 का जो लेवल है वो भी हमें आराम से देखने को मिल सकता है यदि ये काटता है तो बहुत स्पीड से। तब थोड़ा सा संभल के रहना खास करके निफ्टी 50 के अंदर। अब बात करते उसके टारगेट के ऊपर, तो उसके जो हमारे टारगेट रहेंगे निफ्टी के लिए, पहला लेवल रहेगा दोस्तों 18,000 का लेवल, बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये जो है वो 18,020 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता है, तब तक जो है वो हमें इसको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि जब ये ऊपर की तरफ जो है वो सस्टेन करे, हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन मिले, तो फिर ये जो है वो 18,150 के आसपास जा सकते हैं, और 18,340 के आसपास के जो लेवल है वो भी हमें इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों हमारी निफ्टी की बात। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है दोस्तों 39,632 के आसपास। तो वहाँ से अगर हम बात करें उसके लिए, तो पहला हमारा सपोर्ट रहेगा 39,400 के आसपास। वो लेवल यदि कटता है तो खास जो है वो हमें ध्यान में लेना चाहिए लेवल, वो है 39,254। ये जो है वो उसकी सपोर्ट रेंज आप मान सकते हो दोस्तों। अगर ये सपोर्ट रेंज जो है वो काटता है तो यहाँ से एक भारी गिरावट जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। और जो लेवल जो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सीधी गिरावट जो है वो 38,600, और उसके नीचे के जो लेवल है वो है 38,000 और 36,500 के जो लेवल है वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट है वो थोड़ी सी ज़्यादा हमें देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा हमें खास संभल के रहना पड़ेगा बैंक निफ्टी में। बात कर लेते हैं उसके टारगेट के ऊपर, तो उसका जो पहला हमारा टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, अभी उसको जो है वो सस्टेन करना पड़ेगा पहले 39,900 का लेवल। अगर हम ये लेवल को सस्टेन करने में कामयाब हो जाते हैं
तो फिर जो लेवल आता है वो है 40,250 के आसपास। तो जब तक ये 40,250 और 40,300 का जो लेवल है वो जब तक ये सस्टेन ना करे, तब तक कोई लॉन्ग पोजीशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तब तक जो है वो हमें ये कभी भी फंसा सकता है। अगर हम ये ऊपर के तेज जो लेवल है वो अगर सस्टेन करने में कामयाब हो जाते तो वहाँ से जो है वो एक अच्छी खासी मूवमेंट जो है वो ऊपर की हमें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज हम जो है वो करेक्शन के अंदर एंटर तो कर चुके हैं, यहाँ से जो है वो हमें वेट एंड वॉच करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखना है कौन कौन सी मूवमेंट जो है वो हमें मिलती है। लेकिन हो सके तब तक जो है वो इंट्राडे में अगर आप निकल जाओगे, जो भी प्रॉफिट मिले वो अभी के लिए जो है वो बेहतर रहेगा, क्योंकि पोजिशनल जो है वो अभी थोड़ा सा खतरा रहेगा। खतरा इसलिए है दोस्तों क्योंकि मूवमेंट जो है वो हमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, इंडेक्स के अंदर जो है वो देखने को मिल सकता है।